नगर परिषद जयसिंह नगर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें जयसिंह नगर परिषद अध्यक्ष, प्रभारी, सीएमओ व इंजीनियर की मिलीभगत से नगर में होने वाले विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। जयसिंह नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी सीएमओ जो विगत 8 वर्षों से कुंडली मारे बैठे हैं और भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। वहीं परिषद अध्यक्ष अशोक पांडे के द्वारा सीएमओ एवं इंजीनियर को खुली छूट दे दी गई है। तो वहीं अध्यक्ष ने सड़क के ऊपर बनी नाली में अपनी बाउंड्री वॉल बनाकर स्वयं अतिक्रमण कर लिया है। नगर में चल रहे नाली निर्माण एवं बीते वर्ष बने सीसी रोड व डामरीकरण सड़क निर्माण में जमकर रुपयों का बंदरबांट किया गया है, जिसमें देवरा रोड के वार्ड क्रमांक 9, 10 एवं 11 में करोड़ों की लागत से बनी नालियों को देखकर गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया है, जिससे नाली बनते ही टूटने लगती है। नाली निर्माण एजेंसी श्री राम कंस्ट्रक्शन रीवा के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके अतिरिक्त बीते वर्ष वार्ड क्रमांक 6 में सीसी रोड एवं डामरीकरण रोड का कार्य किया गया, जो पूरी तरह से उखड़ गई और गड्ढों में तब्दील हो गई है। हमारे यहाँ मूल समस्या यह है कि हमारे यहाँ लगभग 8 वर्षों से 25-7-12 से लगातार एक लिपिक को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, जिनके द्वारा भारी मात्रा में निर्माण कार्यों एवं खरीदी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा आदरणीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय एवं संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन तथा प्रमुख सचिव भोपाल को की गई, पर आज दिनांक तक ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई उसकी जांच हुई, जबकि मेरे द्वारा उस निर्माण कार्यों के संबंध में, खरीदी के संबंध में कई सबूत भी दिए गए, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण यहाँ की पब्लिक परेशान है। वर्तमान में भी लगभग 2 करोड़ रुपए से नाली बनाई जा रही है, जिसका नगर के किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये का कोई लाभ नहीं हो रहा है। पूरा नगर उस निर्माण कार्य से परेशान है। 12 करोड़ रुपए की नल जल योजना संचालित है, जिसमें आज तक नगर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक नल कनेक्शन नहीं दिया गया। 15-16 से नगर परिषद जयसिंह नगर को कर्जदार बना दिया गया सीएमओ की मनमानी द्वारा, और पुरानी पाइपलाइन से भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, और मनमाने तरीके से अवैध कनेक्शन सीएमओ द्वारा करवा दिया जाता है। अभी वर्तमान में एक कनेक्शन करवा दिया गया। यही सारी समस्याएं हैं कि नगर परिषद नाली की क्या समस्या है? नाली की समस्या है, नाली में इस्टीमेट के हिसाब से नाली नहीं बनाई गई है। नाली में दोनों तरफ सेंटिंग प्लेट लगाकर ऊपर से नीचे तक 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का कंक्रीट ढालना था, जिसमें इन्होंने नाली में एक तरफ सेंटिंग प्लेट लगा के नीचे से पूरा ऊपर तक ढाल दिया। सिर्फ ऊपर गिट्टी के लेयर है और नीचे एक भी सेंटीमीटर गिट्टी न होने की वजह से नाली अंदर की साइड से मिट्टी भसक गई है पूरी नाली में। और दूसरी समस्या यह है कि नाली में इन्होंने 10-10, 15-15 फीट के लंबे 1-1 टन के 50-5-5 क्विंटल के ढक्कन लगा दिए हैं, जिससे कि कभी नाली न सफाई हो सकती नाली की, ना नाली की कभी देख रेख हो सकती है, जिसके कारण भरा हुआ है नाली में कचरा। आज दिनांक तक नाली साफ ही नहीं हुई। कितने लागत की है नाली? लगभग 2 करोड़ रुपए की नाली बनाई जा रही है, जिसमें आज 4 साल से काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। कितना पैसा निकल चुका है? लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया जा चुका है, और नाली का गुणवत्ता तो शून्य है, जिसकी शिकायत मैं सबसे कर चुका हूँ। मैं सबूत भी दे सकता हूँ, मेरे पास पूरा फोटो वीडियो सब है, परंतु कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। मैं कमिश्नर साहब से भी कहा, कई बार मिला, प्रमुख सचिव भोपाल भी जाके मिला, उनको भी दिया शिकायत, परंतु अभी कुछ दिन पहले एसडीएम मैडम क्या कार्रवाई की थी? ये नाली रात में बना रहे थे और उसमें यहाँ वहाँ से बिन के ढोला जो पड़ा रहता है पोल, उसी को लगा के और वार्ड नंबर 9 में नाली का निर्माण रात में कर रहे थे। तो मेरे द्वारा पता बताया गया आदरणीय कमिश्नर महोदय को फ़ोन लगा के कि भाई ये नाली रात में बनाई जा रही है और इसमें बिन के ढोला लगा दिया जा रहा है टूटा फूटा। फिर कमिश्नर महोदय ने माननीय एसडीएम मैडम को भेज के उसको दिखवाया, उखड़वाया, फिर भी उसके बाद भी इनके द्वारा दूसरे 2-3 दिन बाद फिर लीप पोत के रख दिया गया।